हेलो एवरीवन दिस इज मेघा शर्मा वेलकम टू ओमेगा टेक एट आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकल नंबर सिक्स डिस्कस करेंगे जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्रैक्टिकल है यूजिंग जावा स्क्रिप्ट डिजाइन अ वेब पेज डेमोन्स्ट्रेटिंग डिफरेंट नेटिव ऑब्जेक्ट्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट एंड सेकेंड है राइट अ प्रोग्राम इन जावा स्क्रिप्ट टू एक्सेप्ट अ सेंटेंस फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड्स इन इट जावा स्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मीन्स इसमें ऊप्स के कैरेक्ट्रिस्टिक्स होते हैं जैसे कि इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिजम एनकेप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन एरे भी एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम एट अ टाइम मोर देन वन वैल्यू स्टोर कर सकते हैं मीन्स अगर हमें किसी एक वेरिएबल में किसी एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है तो उस केस में हम एरे का यूज करते हैं और जो वैल्यूज होती है उनको हम एलिमेंट ऑफ द एरे बोलते हैं एरे एलिमेंट को हम उसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं और हमको मालूम है कि एरे इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है तो डिफरेंट टाइप के मैथड्स होते हैं यहाँ पे हम एरे ऑब्जेक्ट के मैथड्स देखेंगे फर्स्ट मैथड है कॉन्केट ज्वाइंट टू और मोर एरेज सिंगल एरे कॉन्ट से हम टू और मोर एरे को ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे इस मेथड का जब हम यूज करते हैं तो एग्जिस्टिंग एरे में कोई चेंज नहीं होता है बल्कि रिटर्न होता है एक न्यू एरे जिसमें कि दोनों अगर हम दो एरे को ज्वाइन कर रहे हैं तो दोनों एरे के एलिमेंट कंबाइंड होके आते हैं तो अगर हम टू एरेज को कॉन्टिनेट कर रहे हैं ज्वाइन कर रहे हैं तो जो ओरिजिनल एरे है उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे एग्जिस्टिंग एरे में कोई चेंजेस नहीं होंगे बल्कि एक न्यू एरे रिटर्न होगा जिसमें उन दोनों एरे के एलिमेंट होंगे नेक्स्ट मेथड है जॉइन, जॉइन द एलिमेंट ऑफ एन एरे इन टू स्ट्रिंग। तो इससे हम एलिमेंट जो एरे के एलिमेंट है उनको जॉइन कर सकते हैं और एक स्ट्रिंग रिटर्न होता है यहाँ पे हम सेपरेटर का यूज कर सकते हैं एक स्पेसिफाइड सेपरेटर होता है बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर है वो है कॉमा नेक्स्ट है पॉप पॉप रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे एंड रिटर्न दैट एलिमेंट दिस मेथड ऑल्टर द ओरिजिनल एरे तो पॉप का यूज करके हम एरे के लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं तो अगर हमें एरे के लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है तो हम पॉप का यूज करेंगे और इससे हमारा जो ओरिजिनल एरे है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि उसका लास्ट एलिमेंट रिमूव हो जाएगा नेक्स्ट है पुश पुश एड वन और मोर एलिमेंट टू द एंड ऑफ एन एरे एंड रिटर्न द न्यू लेंथ ऑफ द एरे जिस तरीके से पॉप से हमने एलिमेंट को रिमूव किया था उसी तरीके से अगर हमें एलिमेंट ऐड करने हैं तो हम पुश का यूज करते हैं पुश में एलिमेंट uh, एंड में ऐड uh, होते हैं मतलब कि एरे के एंड में अगर हमें एलिमेंट ऐड करने हैं तो हम पुश का यूज करते हैं तो इससे एरे की एक न्यू लेंथ रिटर्न होगी दिस मेथड ऑल्टर्स द ओरिजिनल एरे ओरिजिनल एरे में चेंज हो जाएगा क्योंकि न्यू एलिमेंट एरे के लास्ट में ऐड हो जाएंगे नेक्स्ट है रिवर्स रिवर्स द एलिमेंट ऑफ एन एरे तो अगर हमें एरे का ऑर्डर चेंज करना है तो हम रिवर्स का यूज करते हैं मतलब कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लास्ट बन जाएगा एंड लास्ट एलिमेंट फर्स्ट बन जाएगा एरे रिवर्स हो जाएगा सॉर्ट सॉर्ट्स एलिमेंट्स ऑफ एन एरे एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए हम सॉर्ट का यूज करते हैं तो एरे के जो एलिमेंट है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे अगर हमने अल्फाबेट्स में दिया है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे नेक्स्ट है स्लाइज एक्सट्रैक्ट सेक्शन ऑफ एन एरे एंड रिटर्न अगर हमें एरे को सेक्शन करना है तो हम स्लाइस का यूज करते हैं यहाँ पे ओरिजिनल एरे जो है वो चेंज नहीं होता है एक न्यू एरे रिटर्न होता है जिसमें हम बोल सकते हैं कि एरे का एक सेक्शन आता है एक सेक्शन एक्सट्रैक्ट होता है अब हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक एरे ले लिया है फ्रूट्स नेम से और एरे के एलिमेंट है एप्पल मैंगो बनाना एक सेकेंड एरे लिया है जिसका नेम है कार्स और उसमें हमने लिखा है बी एम डब्ल्यू इनोवा अब हम एरे को प्रिंट करना अगर चाहते हैं तो हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट एरे एरे फ्रूट हैज एलिमेंट फॉर आई इन फ्रूट्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट फ्रूट आई तो यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज करके फ्रूट्स uh, वाले एरे को एक्सेस कर रहे हैं तो फ्रूट्स वाला जो एरे है वो यहाँ पे प्रिंट होगा नेक्स्ट लाइन में हम लेंथ देख रहे हैं कि एरे की लेंथ कितनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्रूट्स डॉट लेंथ अगर हम पुश का यूज करते हैं तो अभी हमने पढ़ा कि इससे हम एरे में एलिमेंट एड कर सकते हैं तो ऑरेंज जो है वो लास्ट में ऐड हो जाएगा उसके बाद हम पॉप का यूज़ कर रहे हैं तो जो लास्ट एलिमेंट है अभी हमारा लास्ट एलिमेंट ऑरेंज है क्योंकि हमने ऑरेंज को ऐड किया था तो जो लास्ट एलिमेंट है वो अब रिमूव हो जाएगा उसके बाद हम सॉर्ट कर रहे हैं सॉर्ट करने का मतलब ये है कि जो हमारा एरे है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होगा रिवर्स कर रहे हैं मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट लास्ट बन जाएगा और लास्ट एलिमेंट फर्स्ट बन जाएगा अब यहाँ पे हमने दो एरे इसलिए लिए थे क्योंकि हमें कॉनकेट का यूज भी देखना है तो हम दोनों एरे को कंबाइन कर रहे हैं मीन्स फ्रूट्स और कार्स को तो हम लिख रहे हैं फ्रूट्स डॉट कॉनकेट कार्स तो आफ्टर कॉनकेटिनेट एक न्यू एरे आएगा उसको हम प्रिंट कर रहे हैं न्यू एरे को हमने वेरिएबल ए में स्टोर किया है तो प्रोग्राम को सेव कर लेंगे हम और रन करके देखते हैं तो सबसे पहले तो फ्रूट एलिमेंट प्रिंट हुए हैं एप्पल मैंगो बनाना इसकी लेंथ है थ्री क्योंकि थ्री एलिमेंट है हमने ऑरेंज को इंसर्ट किया उसके बाद पॉप का यूज करके हमने उसे डिलीट किया सॉर्टिंग में एप्पल बनाना मैंगो रिवर्स करते हैं और कॉनकेटिनेट जब हम करेंगे तो दोनों एरे जो है वो मिक्स हो जाएंगे मीन्स कॉन्केटिनेट हो जाएंगे नेक्स्ट है बुलियन ऑब्जेक्ट द बुलियन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स टू वैल्यूज ट्रू और फॉल्स इट इज यूज टू कन्वर्ट अ नॉन बुलियन वैल्यू इंटू बुलियन वैल्यू बुलियन ऑब्जेक्ट में टू वैल्यूज होती हैं ट्रू और फॉल्स तो जो भी वैल्यू होती है उसको हम ट्रू ट्रीट करते हैं मतलब जो भी वेरिएबल और ऑब्जेक्ट की वैल्यू है तो ट्रू आएगा अदरवाइज जीरो अगर है या एमटी स्ट्रिंग है अनडिफाइंड है नल है तो इन सभी केसेस में जो वैल्यू होगी वो होगी फॉल्स तो दो ही टाइप की वैल्यू पॉसिबल है एदर ट्रू और फॉल्स तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है वेरिएबल ए इक्वल्स टू न्यू बुलियन टेन यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं बुलियन ऑब्जेक्ट और ए को हम प्रिंट कराते हैं तो टेन जो है वो हमारा एक नंबर है वेरिएबल ए इक्वल्स टू हमने टेन लिया है तो यहाँ पे जब हम इसको रन करेंगे तो ट्रू रिटर्न होगा क्योंकि इसकी वैल्यू है तो एक बार हम देख लेते हैं इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो ट्रू रिटर्न होगा इसके अलावा अगर हम कोई भी और वैल्यू लेते हैं जैसे कि इसी लाइन को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और एक सेकेंड वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें हम वैल्यू नहीं देते हैं हमने अभी पढ़ा है कि बोलियन में जब हम कोई वैल्यू देते हैं तो ट्रू रिटर्न होता है तो यहाँ पे अब हम जीरो ले ले रहे हैं और बी को प्रिंट करके देखेंगे उसी तरीके से एक अनदर वेरिएबल ले लेते हैं सी और यहां पे हम नल ले रहे हैं मतलब कि कोई भी वैल्यू नहीं ले रहे हैं और सी को प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से अलग अलग केस लेके हम देख लेते हैं जैसे कि फर्स्ट में तो हमने वैल्यू ली थी टेन इसीलिए ट्रू रिटर्न हुआ था अब हम अलग अलग केसेस लेके देख लेते हैं कि जीरो में क्या होगा नल में क्या होगा अगर हम अनडिफाइंड रखते हैं तो क्या प्रिंट होगा और लास्ट में हम बुलियन में वैल्यू दे देते हैं नॉट अ नंबर मीन्स एन ए एन प्रिंट कराते हैं ए वन को सेव कर लेंगे इसको और रिफ्रेश करते हैं तो हम देखते हैं कि सभी जगह हमको फॉल्स मिलेगा इसका मतलब यह है कि जब हम बुलियन में कोई वैल्यू देते हैं तब ट्रू रिटर्न होता है बाकी सभी केसेस में फॉल्स रिटर्न होता है नेक्स्ट है डेट ऑब्जेक्ट गेट डेट रिटर्न द डे ऑफ द मंथ गेट डे रि द डे ऑफ द वीक गेट फुल ईयर रिटर्न द ईयर गेट अवर्स रिटर्न गेट मंथ्स रिटर्न दंथ गेट सेकेंड्स रिटर्न द सेकेंड्स तो यहाँ पे हमने डेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वेरिएबल डी इक्वल्स टू न्यू डेट और जितने भी फंक्शंस अभी हमने देखे उनका हम यूज करेंगे तो यहाँ पे हमें करंट डेट डे मंथ फुल ईयर आवर्स मिनट्स और सेकेंड डिस्प्ले होगा तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं तो इस तरीके से हमें आउटपुट मिलेगा डेट थर्टी डे टू मंथ जीरो ईयर टू जीरो टू फोर आवर्स ट्वेंटी वन मिनट फिफ्टी एट एंड सेकेंड्स फिफ्टी टू आगे के ऑब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल सिक्स बी हम इस वीडियो के पार्ट टू में डिस्कस करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें कुछ डाउट है तो कमेंट करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए आइकन प्रेस करें